किन की डेथ हुई है और कहां रहते थे ये मेरे भाई साहब है ये मुन्ना लाल बोले चौक पे रहते थे खुर्दे पे नौकरी करते थे। तो हमें सुबह जब पता लगा बच्चे ने बुलाया तभी पिताजी ख़त्म हो गए गया जाके देखा मैंने खून निकल रहा था मगर ये ऐसे कैसे निकल गया। हम लोग घर के इकट्ठे हो गए सारी जानकारी ली तो वो एक शख्स हो रहा उन्होंने बताया भाई तेरे मारे भाई को तो परसों चार पांच जनों ने खुर्दे बंद करके पीटा गया है और दबा के ठेकेदारों ने पीटा है इसका गला कम हो गया था। मैं तो ये देखने आया था ये ठीक है या नहीं बोले ये तो मर गया। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उसी टाइम 100 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को इतला दी। मैं कहा जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है हमारा भाई गुजर चुका है और ठेकेदारों के जिनका नाम पता लगे हमने वो रिपोर्ट में उनको पुलिस वालों को लिखवा दिया था हम ये लोग हैं और इस तरह हमारे भाई को पिटा गया था। अब उनकी डेड बॉडी यहाँ ले आए हैं अब इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो करेगा पता लग जाएगा। पिटाई कब हुई थी? परसों जी 27 तारीख को 3-4 बजे। डेथ कब हुई है? डेथ आज आज सुबह पता लगा कोई रात को 11-12 बजे रात को 11-12 बजे के करीब गए होंगे वो अब पता था नहीं रात लेट नहीं थी। अच्छा पैसे कितने कम हुए थे? वो नहीं पता लगा जी वो 2-2.5 हज़ार रुपये बता रहे हैं इतने तो इतने की तो वहाँ तो सेल भी नहीं होती। 2 नंबर का अवैध खुर्दे चल रहे हैं अवैध खुर्दे पे ये बैठे थे उसके चक्कर में इनको पीटा अरे इनके ये पछले पुछले पे चोट लग रही है खून की वजह से सारा कुछ दिख रहा है साहब। अच्छा गैर कानूनी तरीके से खुर्दे दो नंबर के खुर्दे ही चल रहे हैं उस टाइम एक नंबर के तो ठेके हैं 2 नंबर के तो खुर्दे ही खिलाते हैं जी। कैसे डेथ हुई पिता की आपके? ठेकेदार ने पिट्टा मिल के एक तो शगुन था एक सांडू था एक सिल्लू था इन्होंने पिट्टा मिल के मेरे पापा को। क्यों पिट्टा है? काम करता था इनके पास खुर्दे पे पैसे कम थे हिसाब में इन्होंने पिट्टा फिर मिल के फिर बुरी हालत में घर पे आया मैं घर पे से रात को काम पे जिस टाइम आया ना मेरा आपने बताया दर्द हो रहा है दवाई लेके आया फिर मैं दवाई खवा के मेरा आपस हो गया। सोने के बाद फिर मैं सुबह काम पे चला गया शाम को आया तो देखा फिर घर पे तबीयत ख़राब हो रही है आधा ही पानी पुनी मंगा मेरा पानी मेरे से पानी दे दिया मैंने फिर मैं सो गया सुबह देखा तो ख़त्म हो गया मेरा पापा। इन्होंने परसों 27 तारीख को वैसे एक कंप्लेंट आई हुई है और ये मामला बताया 26 तारीख का कि 26 को उसकी पिटाई की गई थी तो अभी उसमें जैसे ही कंप्लेंट आएगी FIR करके पोस्टमार्टम करवा के और आगे की कार्रवाई इसमें हम करेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।